साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शबा उर्दू हिंदी में। जैसा कि हमने सबक नंबर 4 पढ़ना है, कन्हैया लाल कपूर का अखबार बीनी NIOS उर्दू 10th क्लास। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए आपके कि क्या इसके अंदर बताया गया है। अखबार बीनी, जिस तरह गांव में तकरीबन हर अनपढ़ देहाती मजदूर या काश्तकार होने के अलावा हकीम होता है, इसी तरह शहर में हर पढ़ा लिखा शहरी तालिब इल्म या क्लर्क होने के अलावा अखबार बीन होता है। मगर अखबार बीनों की भी जमातें हैं। पहली जमात उस अशखास की है जो वक्तन फवक्तन मियां फजल करीम की बुक डिपो के सामने आ खड़े होते अस्सलामु अलैकुम खैर वाफियत जैसी रस्में गुफ्तगु के बाद मालिक दुकान के कारोबार में सतही किस्म की दिलचस्पी का इजहार करके साबित करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें फजल बुक डिपो नहायत अजीज है। उसके बाद अखबार व रसाइल उठा उठा कर यूं पढ़ना शुरू करते हैं गोया फजल बुक डिपो नहीं बल्कि पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ सुलह आए आम याराने नुक्ता दां के लिए मुताला करने के दौरान मियां फजल करीम की आंखें बजा कर कोई अच्छा शेर या कोई किसी एक्टर का पता अपनी डायरी में नोट करते जाते और हर एक रिसाले के वर्क गर्दानी करने के बाद उसे नहायत बेएतनाई किसे गलत जगह रख जाते हैं। जब आलिमी और अदबी रिसाले पढ़ चुके तो फिल्मी वसाइल की तरफ मुतवज्जे, ओहो हुजूर कितनी जखीम एक्टर्स नंबर्स निकाला है, वही सरवर पर दस्तावेज की खूब तस्वीर खूब जेब दे रही है। अरे ये क्या फिल्म इंडिया ने भी अब से सालाना शुरू कर दिया है, जरा देखे कोई काम की तस्वीर भी है नहीं। इस तरह एक दो घंटे अखबार बीनी का शगल जारी रहता है। उसके बाद मियां फजल करीम के सवालात की बोछार की जाती है और उनसे दरियाफ्त किया जाता है कि विलायती डाक के आने में इस दफा इतनी ताखीर क्यों हुई, उसके डिपो में ट्रांसफरी और ट्रू रेवेंस क्यों नजर नहीं आते, रिसाला आदब आलम क्यों बंद हो गया। चलते चलते उन्हें यह खुशखबरी सुनाई जाती है कि सवेरे का 2 माही नंबर खूब है और हजारों की तादाद में बिकेंगे। आखिरी जुमले का मतलब ये होता है गोया रिसाला हजारों की तादाद में बिकेगा मगर हम कभी एक कॉपी मोल नहीं लेंगे। ये तो थी पहली जमात अखबार वालों की। अब इसके बाद इन्होंने दूसरी जमात उन लोगों की है जो अखबार बीनी के लिए अपने हमसाए मरहूने मिन्नत है। अगर वो हॉस्टल में रहते हैं तो वे अपने साथी ऐसे साथी तलाश करते हैं जो रोजाना अखबार खरीदने के आदि हों। सूरज की पहली किरण के साथ वे दरवाजा खटखटाना शुरू कर देते हैं, उठो भाई अभी तो 5 बजे हैं, अभी तक बिस्तर पर पड़े हो, अब तो 5 बज गए, आप लेटे लेटे जवाब देते हैं, सोने भी दो यार, वाह सोना भी एक ही कही अजी इस वक्त तक कौन सोता है, अच्छा दरवाजा खोलो, तुमसे एक जरूरी मशवरा करना है। तो आप दरवाजा खोलते हैं और उस कुर्सी पर दराज होकर हंसना शुरू कर देते हैं। बेशतर उसके आप उस बदतमीजी के दांत दे सके वो मेज पर पड़े हुए अखबार को उठाकर उसका मुताला करने लगा। 1 घंटे बाद ये हालत हो जाती है गोया अखबार उन्होंने ही खरीदा था। जिस वक्त घड़ी 8 बजाती है वे चुपके से अखबार मेज पर रखकर और आज तो कोई दिलचस्प खबर नहीं कहकर तशरीफ ले जाते हैं। यही सूरत दीगर अगर आप गली मोहल्ले में रहते तो वहाँ भी आपको कई ऐसे हजरात मिल जाएंगे जो साल साल आपसे अखबार मांग कर पढ़ने के आदि हो चुके हैं। वक्त बेवक्त वो आपकी बैठक में आ धमकेंगे और आपके माथे की शिकन को दूर करने के लिए 2-4 तारीफी हमदर्दाना फकरे जड़ देंगे। मसलन खां नया सूट पहना है, कपड़ा तो खुशनुमा है, सिला हुआ भी अच्छा है, ये मुन्नी का क्या हाल है, छोटे मियाँ की खांसी में कुछ इफाका हुआ। आप इन बातों का असली मकसद अच्छी तरह समझते हैं इसलिए आप पर कोई असर नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए।
मगर क्या किया जाए कि 20वीं सदी और जो बात दिल में हो जबान पर नहीं लाया जा सकती, वरना आप उनसे कह सकते हैं कि अजी मुन्नी मेरे या मेरे बच्चे आपको बला से, छोटे मियाँ की खांसी हो या तिबेदियो, आपको अखबार पढ़ने आए हैं सो उठाए और पढ़ लीजिए। तो ये थी दूसरी जमात। अब इसके बाद बताया तीसरी जमात कौन सी, उन अफराद के जो अखबार बीनी के लिए लाइब्रेरियों के मोहताज होते हैं। इन जमात में ज्यादातर रिटायर्ड क्लर्क और साल और कुर्दा लोग होते हैं। ये असहाब असल में अखबार पढ़ने नहीं आते बल्कि वक्त काटने आते। इसके बाद ये अखबार पढ़ते हैं। फिर इसके बाद एक और जमात, ये नहायत दिलचस्प लोग हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये लोग हर अखबार में उन्हीं खबरों का दोबारा से बार पढ़ते हैं, खुशी महसूस करते हैं। घर अपने अहबाब जुमरे में उन्हें खबरों की बुनियाद पर बड़े बड़े आलिमाना और फाजिलाना तबसरे करते हैं। अमूमन सनसनी पैदा करने वाली खबरें इनका दिल पसंद मौजू होती है। इसके बाद है अखबार बीनों की ऐसी जमात जिससे रेलगाड़ी में साबका पड़ता है। एक दो बार रसाइल एक आधा अखबार लेकर जूं ही आप डिब्बे में दाखिल हुए चारों तरफ सदाए बुलंद हो गई। यहाँ बैठिएगा, यहाँ आइएगा, आप सीट पर बैठे और आपको हम सफरों ने बारी बारी अखबार रसाइल मांगना शुरू कर दिया। तो इसके जरिए इन्होंने अखबार और रेल के बारे में बताया। तो ये था हमारा अखबार बीनी का। और कुछ ऐसे होते हैं जो अखबार खड़े खड़े पढ़ते हैं, कुछ दूसरों के देख के पढ़ते हैं और सामने खड़े हुए होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। तो अखबार पढ़ने वालों की ये यहाँ पे इसमें बताई गई है। इसके बाद यहाँ पे कुछ अल्फाज मानी है, उनको भी देख लेते हैं, अल्फाज मानी को भी। अखबार भी नहीं अखबार पढ़ना, खैर आफियत सलामती सदा पुकार, एक्टर सदाकार, वर्क गर्दानी करना यूं ही वर्क पलटना, नुक्तादा बारीकियां समझने वाला, बेअतनाई बेपरवाही, सकीम ज्यादा सफात की किताब। अब इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हैं उनको देख लेते हैं ताकि आपके पेपर में परेशानी ना हो, आसानी से आप इसे पेपर में हल कर सकें। तो सबसे पहले सवाल इसके अंदर होता है, पहला सवाल है, तंज का असल मकसद क्या है? इम्पोर्टेंट सवाल। पहला सवाल इसके अंदर ये है, तंज का असल मकसद क्या है? तंज का असल मकसद है इसलाह। जेरे नज़र सबक में भी मुसन्निफ ने तंज के जरिए अफराद और माशरे की खामियों पर लोगों की तवज्जो दिलाया ताकि वो अपनी कमियों पर गौर करें। अब एक सवाल आता है, कन्हैया लाल कपूर ने मुफ्त अखबार पढ़ने वाले की कितनी किस्में बयान की है? भाई चार किस्में बयान की है। बुक डिपो पर अखबार पढ़ने वाले किस तरह की गुफ्तगू करते हैं? एक सवाल ये आ सकता है, भाई जो बुक डिपो पर अखबार पढ़ते हैं वो क्या सलाम दुआ करते हैं रस्मी, और उसके बाद जो है अपना अखबार पढ़ते हैं और जाते आते कह देते हैं कि भाई कोई आज खास खबर नहीं। और उसके बाद एक सवाल आ सकता है कि अखबार पढ़ने वाले अपने दोस्तों के साथ कैसी हरकतें करते हैं? उनकी चापलूसी करते हैं और मुफ्त अखबार पढ़ने में किसी तरह की दुश्वारी पैदा ना हो।